हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे मॉर्निंग और मैं आ गई हूँ आपके लिए एक अच्छा सा वीकेंड व्लॉग लेके। महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन है, लेकिन अभी हम लोग घर पे क्या कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, वही आपको दिखाएंगे। ये ओट्स मैंने भिगा के रख लिए थे, उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है और इसमें सारी सब्जियां कट करके डाल ली हैं। एक शिमला मिर्ची, एक टोमेटो और एक प्याज और एक हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया, ये सब उसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे हम लोग। ये देखिए, बहुत ही हेल्दी और बहुत कम ऑयल में बनने वाला नाश्ता है ये। और ओट्स तो फुल ऑफ फाइबर होता है और जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसको बिना ग्राइंड के भी बना सकते हैं आप। और ये मैंने हल्का से इसको ग्राइंड कर लिया है, मोटा ही। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल लीजिए। और थोड़ा सा इसमें हल्दी डालेंगे कलर के लिए, थोड़ा सा हल्दी और नमक। उसके बाद ये देखिए, पैन में हमने उसी बैटर को हल्का सा फैला दिया है और इसको थोड़ा सा एक साइड से अच्छा पक जाए जब भी। ये देखिए, थोड़ा सा धीमी आंच पे छोड़ेंगे और ये देखिए ऑलमोस्ट ये ऊपर से दिख रहा है कि पक गया है, थोड़ा एक साइड का रह गया है। जब पूरा पक जाए तो इसे धीरे से पलट देंगे। सिर्फ तवे को हल्का सा ग्रीस किया है पहली बार और उसके बाद वाले में तो आपको ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना कम ऑयल लगता है इसमें। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये देखिए। अब इसको पलट लिया और हमारा ओट्स का चीला एकदम देखिए मस्त कलरफुल दिखने लग गया है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है ये। ये देखिए, हमारा सैटरडे का नाश्ता रेडी है एकदम। ये देखिए, आकाश का टॉय सेक्शन क्लीन हो रहा है और आकाश को मज़ा आ रही है। अभी एक एक चीज़ मिली है इनकी, पुरानी पुरानी एनिमल भी मिल गया। अभी ये ड्रॉर्स आज क्लीन कर रही हूँ, इतने सारे टॉयज थे इसमें। और फ्राइडे इवनिंग में बनी थी फ़िश। ये देखिए, फ़िश को मैंने ऐसे मैरिनेट कर लिया था 5 मिनट के लिए, इसमें नमक और हल्दी और लहसुन और सरसों लगा के। और यहाँ पे तैयारी हो रही है साइड में ग्रेवी की, एक साइड में तलूंगी मैं, बहुत फटाफट बनाऊँगी इसको। तो ये देखिए, ग्रेवी के लिए मैंने मेथी का तड़का देके प्याज कड़ी पत्ता डाल दिया है और इस साइड हमारा फिश फटाफट से फ्राई हो रहा है। ये देखिए, और यहाँ पे सारे मसालों को ग्राइंड कर लिया है। फिश की डिटेल रेसिपी आपके पास ऑलरेडी है। मेरी रुचि गई है, मुझको बोल के गई कि आगे का करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये देखिए, फिश फ्राई हो रही है। इसमें मैंने मसाला पीस लिया है, अभी डालूंगा मसाला में। हमारा साथ में बन रही है ग्रेवी। अभी देखिए, प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब मसाले को इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची, प्याज, टमाटर, थोड़ा राई और ये सब डाल के पीस लिया है। ये देखिए, अभी मसाला हमारा डाल दिया हमने और ये अभी 3-4 मिनट तक भूनेंगे तक। ये अदरक लहसुन मिर्ची सब भूनने के बाद इसमें मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर डाला है। अब इसको अच्छे से चला कर ऑयल छोड़ने तक भूनना है। ये देखिए, हमारा एकदम कुरकुरी फिश फ्राई तैयार है। वाह, अभी धीरे धीरे टेस्टिंग टाइम शुरू हो रहा है, सब टेस्ट करना चालू करेंगे अभी। पानी गर्म ग्रेवी में रखेंगे तो फटाफट बन जाता है। ये टिप ऑफ द डे है। बहुत बढ़िया, बहुत ही क्विक कुकिंग की है आज रूटीन ने, तो आई रियली अप्रिशिएट। आज आया है चिकन और 9:40 चिकन मिनी फिश। फिश 8 बजे आया है और अराउंड 8:40 का तो हमारा पूरा रेडी हो जाएगा प्रोसेस। चावल, रोटी, चिकन, करी, सब।
फिश इज ऑसम ग्रेवी, क्या लग रहा है। देखिए फिश का रसा हमेशा ही पतला रखा जाता है, कितना पतला है, और अभी इसको खूब उबलने देंगे हम लोग। फिश सेपरेट रखेंगे कि इसमें मिक्स कर गया आपा? आज हम लोग मिक्स करेंगे थोड़ा सा डिप करके। मैंने गांव में देखा था एकदम रस्से में डुबा डुबा खाने में अच्छा लगता है। कल मैं गई थी सब्जी लेने के लिए, तो लॉकडाउन की वजह से एक भी सब्जी का जो भी ठेला शॉप कुछ भी खुला नहीं था, तो एक सब्जी वाले के घर पे जाके मैंने हेल्प की उसकी। तो मुझे पता था वो उसका यही रोड से थोड़ा सा अंदर ही घर है, तो मैंने उसकी हेल्प करने के हिसाब से उसका दुकान मतलब ठेला उसने बांध बांध के रखा था, अपने घर से खोल के उसे सब्जी खरीदा। एक्चुअली बिग बास्केट वगैरह से हम सब्जी मंगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा होता है, और ऐसे हम छोटे छोटे सब्जी वाले वेंडर्स से लेते हैं तो वेजिटेबल वेंडर से उनको हेल्प हो जाती है थोड़ी सी। उनके छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा खेल रहे थे चौल के बाहर, तो थोड़ा सा उनको भी हमसे हेल्प हो गई और हमारा भी अच्छा हो गया कि हमको ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिल गई। तो बड़ी बड़ी कंपनियों का फ़ायदा कराने से अच्छा है कि आप ऐसे छोटे छोटे वेंडर्स से सामान लीजिए लॉकडाउन में, अगर पॉसिबल है आपको मालूम है तो। ये देखिए मिस्टर सिंह की बेली हुई रोटी फूलती भी है, इसको हमने डिप कर दिया है। जितने लोगों को गीला खाना था और जितने लोग सूखा खाएंगे वो सूखा खाएंगे। ये देखिए हमारी फिश करी है। और इसके बाद रात को ही मैंने इडली डोसे का बैटर पीसा था, तो ये देखिए हम लोग दो कटोरी चावल, एक कटोरी दाल और एक मुट्ठी पोहा, थोड़ा सा मेथी दाना डाल के ये भिगा के पीस के ये बैटर बना लेते हैं, और इसको अच्छे से ढक्कन से ढक के फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। और मिलती हूँ मैं आपको सीधा सुबह सुबह, और ये इडली का व्लॉग आप मिस्टर सिंह के वीडियो में देखेंगे। गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए हमारी चाय उबल रही है सुबह की, और ये गर्मा गर्म उत्तप्पा बन रहा है। चलो आकाश को दूध दे दिया जाए। दही तो काफ़ी अच्छी जमी है, देखिए मिस्टर सिंह ने जमाई है। सबको गुड मॉर्निंग तो बोलो आकाश। ये देखिए हमारा उत्तप्पा, और ये सांभर भी बचा था, चाय अभी नाश्ता कर रहे हैं। और आज है संडे, अभी लॉकडाउन है पूरा, यहाँ पे सब कुछ बंद है, और अभी अभी मैंने शावर लिया है, और अब नाश्ता तो हो गया था हमारा, अब शुरू करेंगे लंच बनाना। तो चलिए थोड़ी पूजा करते हैं और लंच बनाना शुरू करेंगे। और अभी प्लांट्स में थोड़ा पानी डालने का टाइम आ गया है, तो चलिए। अभी एग करी हमारा बन रहा है। चलो सूप लगाओ। ओ आकाश नहीं नहीं कर रहा है। इसका डो बना के रख लिया है, और यहाँ पे देखिए इसकी रोटी बन रही है। ये देखिए अंडा करी हमारा रेडी है एकदम बन के, ये देखिए। और यहाँ पे राइस भी बन चुका है, और अब बनने जा रही है ज्वार की रोटी, जो कि काफ़ी टफ होती है, लेकिन आज मेरे से ठीक ठाक गोल अच्छी बन जा रही है, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। इसको ऐसे उठाएंगे ना तो ऐसा टूटने लगता है, तो बचा बचा के मैंने बेल दिया है, अभी देखते हैं कैसे उठाते हैं। इस बार तो अच्छी बन रही है आज की। ये देखिए इसको डाल दिया, अब इसको ऐसे फुलाएंगे। वाओ ज्वारी की रोटी भी अच्छी फूली है, मतलब अच्छा बन रहा है। ये
बस इतना ही इसको कुरकुरा करेंगे। एक्चुअली ये ग्लूटेन फ्री होता है, तो कभी कभी गर्मियों में बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। ये भी ग्लूटेन फ्री है, गेहूँ के आटे से अच्छा है कि ज्वारी की खाइए। इसको गांव में तो मम्मी लोग ऐसे हाथ से बेल लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बेलन की मदद से धीरे धीरे उसको बड़ा कर रही हूँ, और बहुत संभाल के इसको उठाना पड़ता है क्योंकि टूटता है। बहुत कम लोगों को एक्चुअली ये परफेक्ट बनाना आता है। इसको उठाएंगे, हाथ पे देखिए ले लिया है और यहाँ डाल देंगे। नॉट बैड, यस, फूल तो रही है रोटी। देखिए अच्छी तो बनी है रोटी, और खाने में भी ग्रेवी किसी के साथ बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए अंडा करी था तो आज मैंने यही बनाया। मम्मी मेरी गांव में बहुत अच्छा ये सब बनाने में एकदम एक्सपर्ट है, बाजरी की, ज्वारी की, ये सब रोटी। एक्चुअली आज मेरी रोटी ऐसा लग रहा है कि मम्मी जैसी थोड़ी बनी है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि चलो उस लेवल का थोड़ा तो आया। क्योंकि ज्वारी की रोटी मैं छोटी छोटी ही बेल पाती थी और बड़ा मुश्किल से फूलती थी, लेकिन आज की सारी रोटियां फूल रही हैं। ये देखिए हमारी ज्वारी की रोटी, और ये अंडा करी, और ये राइस। आज का लंच एकदम रेडी है। हेलो, तो अभी इवनिंग हो गई है और हम लोग पी रहे हैं चाय, और ये देखिए कितना प्यारा सनसेट हो रहा है यहाँ पर। ये है हमारे बालकनी से बाहर का व्यू, और ये है सनसेट। अभी शाम के डिनर की तैयारी हो रही है, और हम लोग देखिए बना रहे हैं चने की सब्जी, क्योंकि चना मैंने पानी पूरी के लिए बॉईल किया था, पानी पूरी आ नहीं पाया, अभी मिल नहीं पाया आज, तो उसकी सब्जी और थोड़ी पूड़ी आज बनाएंगे। पापा लोगों को थोड़ा पसंद है पूड़ी उड़ी, तो भले ही डाइट वाइट लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है पूड़ी से, तो वही अभी बनाने जा रहे हैं। ये तड़का दे दिया सया जीरा, हींग और तेज पत्ते का, और इसमें प्याज डालेंगे अभी। थोड़ा जिंजर गार्लिक और थोड़ा सा ये खड़े गरम मसाले ये पीस के रख लिए हैं मैंने, अभी ये पेस्ट उसमें डालेंगे। और अभी इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा टमाटर भी बारीक क्रश करके डाल दिया है। चने बॉईल हो गए हैं, डाल देंगे। तो हमारे छोले और पूरी रेडी है, देखिए आप लोग भी। मस्त मस्त देखिए छोला पूरी तैयार है, संडे स्पेशल।
यहाँ पे अभी येलो मिल्क बन रहा है, ये देखिए सबके लिए। तो येलो मिल्क पीने के बाद हम लोग अभी थोड़े देर बाद सोएंगे। ये देखिए एक आइडियल हस्बैंड येलो मिल्क लेके आ गए हैं और येलो मिल्क पियेंगे अभी हम लोग। वाओ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन। बाय।